1942 में जब कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आह्वान किया, भारत छोड़ो की अपील की, अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की अपील की, तो उस समय बहुत से लोगों ने सारे देश ने उस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन बहुत से लोगों ने उस आंदोलन का विरोध भी किया। और विरोध करने वाले में कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलितों के देश के सबसे बड़े नेता थे, वो उस वक्त अंग्रेज सरकार के मेंबर थे, अंग्रेज सरकार के सदस्य थे। वीर सावरकर ने, जो कि हिंदुत्ववादी विचारक थे और हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने उस आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी द्वितीय विश्वयुद्ध के बहाने से उस आंदोलन में भाग लेने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि बाकायदा उस आंदोलन को कुचलने में अंग्रेज़ों की मदद भी की, ऐसे आरोप भी उनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हालात में भी, जबकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ हिंदुस्तान के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के सबसे ताकतवर जो अभिव्यक्ति थी उसके खिलाफ थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेतृत्व ने और गांधी जी ने कभी भी इन लोगों को राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया। किसी के बारे में उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये लोग इस देश से गद्दारी कर रहे हैं या आज़ादी के आंदोलन के ये खिलाफ हैं, इसलिए इनको राष्ट्र विरोधी करार दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा है, वो मेरी इस बात पर एतराज़ नहीं करेंगे कि गांधी जी ने कभी भी किसी को भी राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, तो इनमें से कई लोगों को, जिन्होंने 1947 के आंदोलन का विरोध किया था, आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार में लाने की गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप इन सब लोगों को सरकार में लाइए। श्याम प्रसाद मुखर्जी को, जो हिंदू महासभा के नेता थे, उनको सरकार में लाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। कांग्रेस ने ही कोशिश करके उन्हें संविधान सभा में चुनाव जितवाया। उन्होंने भारत के संविधान बनाने की कार्रवाई का नेतृत्व किया और आज़ाद भारत के कानून मंत्री बने। तो ये थी हमारी राष्ट्रवाद की विरासत, और इस विरासत के केंद्र में था कि कैसे इस समाज को जोड़ा जाए, कैसे एकता स्थापित की जाए, चाहे वो राजनीतिक शक्तियों की एकता हो, चाहे वो सामाजिक शक्तियों की एकता हो, चाहे विभिन्न संस्कृतियों की एकता हो। इस विरासत को लेके हम लोग आगे बढ़े, और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो भी सरकारें बनी, उन सरकारों में तमाम कमियां थी, उनकी कड़ी से कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। हम सब लोग उनकी आलोचना करते हैं। वो आज़ाद हिंदुस्तान को कैसा बनाया जाए, इस अपने प्रोजेक्ट में एक सीमा तक ही कामयाब हो पाई वो सरकारें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोटे तौर पर उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण के विचार का इस्तेमाल सत्ता हड़पने के लिए कभी नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को हमेशा उससे अलग रखा। राजनीतिक प्रतियोगिता जो होती है चुनाव के जरिए वोट पाने की, उससे उन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद को अलग रखा। लेकिन आज ऐसे खुशनुमा हालात नहीं। आज स्थिति यह है कि राष्ट्रवाद को एक बिकाऊ माल की तरह इस्तेमाल करते हुए राजनीति की दुकान पर खड़े होकर बेचा जा रहा है, और बदले में कहा जा रहा है कि इसके बदले में हमें आप वोट दीजिए। अब इस भाषा में नहीं आपको ये आवाज सुनाई देगी जिस भाषा में मैं आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन अगर आप सुनना चाहें और अपने राजनीतिक कानों का इस्तेमाल करें तो यही आवाज सुनाई देगी। कम से कम मुझे तो यही आवाज सुनाई देती है कि लीजिए राष्ट्रवाद ले जाइए और बदले में हमें वोट दे जाइए, हमारी सत्ता को सुरक्षित कीजिए। ऐसा करने की मौजूदा सरकार को क्यों जरूरत पड़ी, मौजूदा पार्टी जो सत्ता में है उसको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर भी गौर करना जरूरी है। अभी एक हफ्ते पहले हिंदी के एक बहुत बड़े समाचार चैनल, जिसका दूसरा या तीसरा नंबर है, ABP न्यूज ने उत्तर प्रदेश में जो एक साल बाद चुनाव होगा उसके लिए एक सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण में 20,000 मतदाताओं से बातचीत की गई, जो कि बहुत बड़ा सैंपल है। उत्तर प्रदेश हालांकि बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन 20,000 का सैंपल बहुत अच्छा सैंपल होता है। और जब उन्होंने उस सर्वे के नतीजे प्रसारित किए, उस बहस में मैंने भी हिस्सा लिया था, तो नतीजों में ये निकला कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनने के लिए जा रही है।
या शायद दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी, और उसके दूसरे और पहले नंबर, पहले नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है, दूसरे और पहले नंबर के बीच में फासला बहुत अधिक है। मतलब आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी उत्तर प्रदेश में। अब इस तरह के सर्वेक्षण और उनके नतीजे केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बेचैनी का सबब है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में 2014 में उन्होंने 71 सीटें अकेली दम पर जीती थी और दो उनके सहयोगी दल अपना दल ने सीटें जीती थी। इस तरह करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने 73 सीटें जीती थी, एक ऐसे प्रदेश में जहां उन्हें 45% से ज्यादा वोट मिला और उन्होंने 80 में से 73 सीटें जीत ली। वहां पे अगर वो सत्ता से विधानसभा में इतनी दूर हैं तो जाहिर है कि 2014 की मई से लेके अब तक गंगा यमुना में इतना ज्यादा पानी बह चुका है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी समझ में आ रहा है कि उसकी सत्ता सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं कि वो बिहार में और दिल्ली में बहुत बुरी चुनावी मात उन्हें मिल चुकी है, और इस पूरे 2015 में 5 राज्यों में चुनाव और होने वाले हैं, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, पौंडिचेरी में और असम में। उसमें असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी चुनाव जीतने का कोई मौका नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इन प्रांतों में अपने 1.5% वोट बढ़ा सकते हैं, 1-2 सीटें बढ़ा सकते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 या 7 चुनावों में हार चुकी होगी, 6-7 राज्यों के चुनावों में हार चुकी होगी, और उस वक्त उस पार्टी का मनोबल कितना गिरा हुआ होगा इसका अंदाजा लगा लेते हैं, लगा सकते हैं। और अगर कहीं खुदा नखास्ता वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हार जाती है जैसा कि ये सर्वे बताता है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक लेम डक सरकार, में बदल जाएगी। उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो राजनीतिक और सामाजिक वैधता है, उसका ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिर जाएगा और फिर इस सरकार की हालत वही हो जाएगी जो तकरीबन 2011, 12 और 13 के दौरान, खासतौर से 2012 और 13 के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार की हालत थी। तो अपने इस राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने ये हथकंडा निकाला है कि हम राष्ट्रवाद वाले मसले को, देशभक्ति वाले मसले को एक राजनीतिक मसले के तौर पर चुनाव के मैदान में ले जाएं और उसको भुनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो तो उनकी मर्जी के मुताबिक चल नहीं रही है, आर्थिक फायदे तो उनकी मर्जी के मुताबिक हिंदुस्तान को हो नहीं रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं बढ़ रहा है आगे। आप इस बात से हालात समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के निजी क्षेत्र के पास तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के पास 5.5 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था में किसी एक नए पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि उनके जो पहले से इन्वेस्टमेंट हैं, जो पहले से निवेश हैं, उसी से उन्हें कुछ नहीं हासिल हो रहा है, उनके तमाम प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं, यानी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। जब तक बहुत बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं होगा तब तक रोजगार पैदा नहीं होंगे, अगर रोजगार पैदा नहीं होंगे तो नौजवानों के बीच में और बेरोजगारों के बीच में बहुत नाराजगी बढ़ती चली जाएगी, और बिल्कुल हालत यह है कि एक इस सरकार की कुर्सी के नीचे एक टाइम बम है, जो बेरोजगारी का टाइम बम है, जो धीरे धीरे करके टिक टिक कर रहा है। अभी वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के साथ हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ, हम लोगों की बातचीत हुई, मैंने उनके सामने यही बात कही, देखिए आप इतने इत्मीनान से बैठे हुए हैं और आपकी कुर्सी के नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है बेरोजगारी का, आपके पास क्या तरीका है कि आप इसको डिफ्यूज कर सकें? तो उन्होंने जवाब दिया, उससे जाहिर था उनके पास इसका कोई तरीका नहीं है। यानी अर्थव्यवस्था के जरिए आप अपने राजनीतिक जनाधार में, अपने समर्थकों के बीच में कोई भी उम्मीद पैदा कर पाने में नाकाम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से कुछ निकल नहीं रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद। तो अब हालत यह है कि एक पैरेलल स्ट्रेटजी, एक समांतर रणनीति बनाई जाए, जैसे कि दो टीमें जब कोई मैच होता है तो बेंच स्ट्रेंथ होती है,
जिसके ऊपर बदलू खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स बैठे रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि यह कोशिश दरअसल हो शुरू से ही रही है, अब वो बहुत बड़े पैमाने पर परवान होती हुई, परवान चढ़ती हुई लग रही है।